अभी विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाहन विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों के लोगों के लिए करीब 60,000 मास्क भेजे हैं। विधायक राजीव बिंदल ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यह मास्क लोगों तक भेजे हैं। बिंदल ने कहा कि 20,000 मास्क नाहन में शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग वार्डों से पार्षदों के माध्यम से भेजे हैं, जबकि 40,000 मास्क अलग अलग गाँव में लोगों के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा भेजे जा रहे हैं। बिंदल ने लोगों से अपील की है कि कोविड की विकट परिस्थितियों के बीच लोगों को बेहद सहज रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बहुत घातक है और लगातार बढ़ता जा रहा है। बिंदल ने कहा कि महिला मोर्चा की कार्यकर्ता बड़े स्तर पर दोबारा से मास्क बनाने में जुट गई है और जल्द इसका लोगों में वितरण किया जाएगा। इन दिनों काफ़ी कठिन समय में भारतीय जनता पार्टी समाज को प्रेरणा देने के लिए काम कर रही है। कोविड की इस महामारी में हमारा समाज, हमारा सिरमौर, हमारा नाहन विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति सजग रहे, मास्क लगाए और सुरक्षित रहे, ये प्रेरणा देने के लिए आज नगर पालिका नाहन की अध्यक्षा व पार्षद गणों को 20,000 मास्क हैंडओवर कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि अगले 24-36 घंटे में ये शहर के अलग अलग मोहल्लों में जाकर के इन मास्क को लोगों को देते हुए उनको प्रेरणा देंगे कि मास्क के बिना वो घर से बाहर ना निकलें, और अगर घर में कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है तो घर में भी सब लोग मास्क लगाएं, क्योंकि सुरक्षा नितांत आवश्यक है, क्यों वायरस बहुत गंभीर है। एक बार हमला करता है तो सीधा अस्पताल पहुंचाता है, इसलिए इससे बचाव बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार हमारे मंडल के माननीय अध्यक्ष खड़े हैं, इनको 40,000 मास्क हम हैंडओवर करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में और पहुंचाने के लिए हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे बूथ के अध्यक्ष इत्यादि लोगों को ये अगले 2 दिन के अंदर 40,000 मास्क भेजेंगे। महिला मोर्चा को कपड़े उपलब्ध कराए हैं, उन्होंने सिलाई का काम शुरू कर दिया है। जितने मास्क वो बनाएंगे वो अलग से और बांटे जाएंगे। इस प्रकार ये समाज को एक प्रेरणा देने का काम भारतीय जनता पार्टी नाहन मंडल द्वारा किया जा रहा है।